हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी करंट अफेयर्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा शुल्क निकासी में सुधार के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आइस डैश और अतिथि, ऑप्शन बी मेहमान और आइस डैश, ऑप्शन सी 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 ए आई और अतिथि, ऑप्शन डी मेहमान और सी सी ए आई। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइस डैश और अतिथि। केंद्रीय वित्त और निगमित मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन से सीमा शुल्क, सामान और मुद्रा घोषणाओं की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा के लिए अतिथि और आइस डैश ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीडिया कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी बैंगलोर। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। यह फेस्ट 6 से 7 नवंबर 2019 को कोलकाता में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 में आयोजित किया जाएगा। प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री ए सूर्य प्रकाश और डॉक्टर विजय पी भाटकर अध्यक्ष विज्ञान भारती सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री है, विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 नवंबर, ऑप्शन बी 3 नवंबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर या ऑप्शन डी 6 नवंबर। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 नवंबर। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यह दिन सेंडाई सेवन अभियान के लक्ष्य डी को बढ़ावा देगा, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आपदा क्षति और को कम करने और बुनियादी सेवाओं के विघटन पर केंद्रित है। सेंडाई फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 है। यह फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के विषय में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान अंगीकृत किया गया था। यह सम्मेलन मार्च 2015 में जापान के सेंडई नगर में आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है, भारत ने किस देश के साथ सैन्य चिकित्सा और सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान या ऑप्शन डी नेपाल। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान। भारत ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य चिकित्सा और सैन्य शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ताशकेंट, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ 1 से 3 नवंबर 2019 से 3 दिवसीय यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह लगभग 15 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा उज्बेकिस्तान की पहली यात्रा थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मिलिट्री अलायंसेज में पूछे जा सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा देश द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी पाकिस्तान। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। श्रीलंका द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। सम्मेलन 4 नवंबर से 7 नवंबर को कोलंबो श्रीलंका में आयोजित होगा। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत महाराष्ट्र के साथ टैग किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी तेलंगाना। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा। केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के हिस्से के रूप में उड़ीसा राज्य को उनके संबंधित राज्यों की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ टैग किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। साहित्य 2019 के लिए JCB पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माधुरी विजय, ऑप्शन बी उमेश भंडारी, ऑप्शन सी अक्षय कटियार या ऑप्शन डी हिहारिका चंद्र। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि माधुरी विजय। माधुरी विजय को उनके पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए JCB पुरस्कार साहित्य 2019 से सम्मानित किया गया है। विजेता की घोषणा सर मार्क टली ने सोशल मीडिया पर एक लाइव प्रसारण में किया था। यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस शहर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी अहमदाबाद। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को 14वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल NHP 2019 जारी किया गया था। इसके अनुसार दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 लोगों के साथ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सामाजिक न्याय के लिए 2019 मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स का विषय क्या था? ऑप्शन ए घरेलू हिंसा के समकालीन रूपों का संयोजन, ऑप्शन बी गुलामी के समकालीन रूपों का संयोजन, ऑप्शन सी बाल श्रम के समकालीन रूपों का संयोजन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलामी के समकालीन रूपों का संयोजन। इस वर्ष का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस के लिए हारमोनी फाउंडेशन द्वारा थीम क्या रखी गई थी? तो वो है गुलामी के समकालीन रूपों का संयोजन। यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत का पहला नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उर्वरक पेश किया है? ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी इफको, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान या ऑप्शन डी नवदान्य। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इफको। दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी इफको, जिसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसने गुजरात में अपनी मात इकाई कलोल में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑन ट्रायल के लिए नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कॉपर को पेश करके अपने नैनो उत्पादों की इस नई श्रृंखला से परिचित कराया है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।